नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। कोरोना को लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है और अमेरिका खास तौर पर ज़्यादा तबाह है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूर्णिमा उपाध्याय। पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। सबसे पहले मैं पूर्णिमा जी के बारे में बता दूं। पूर्णिमा जी मूलतः जमशेदपुर की रहने वाली हैं, उसके बाद करनाल में रही, फिर दिल्ली में रही और अब वाशिंगटन डीसी में हैं। वहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सबसे बड़ी बात कि जो मेडिसिन की हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे पूर्णिमा जी से कि अमेरिका में इस वक्त क्या हालात हैं कोरोना के। जैसे कि हम सबको, आप सबको पता है और ये सब कुछ बहुत ज्यादा न्यूज कवरेज में भी है, काफी बुरे हाल हैं। आई मीन हालात काफी सीरियस हैं, क्योंकि खास करके पिछले 3-4 दिनों में जो हमें एक्सपेक्टेशन था कि जो केस रेट और साथ में डेथ रेट जो कम होना शुरू हो जाएगा, वो नहीं हुआ। एंड इसीलिए हमारे जो प्रिडिक्टिव जो मॉडल्स थे उनमें नॉट गलती तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन उनमें वो थोड़ा फॉल्टी है, वो एक्यूरेट नहीं है। एंड बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द इनपुट। तो बॉटम लाइन में कहने का मतलब ये है कि आई थिंक आज फॉर एग्जाम्पल सो फार वी हैव 12 लाख के ऊपर केसेस एंड आउट ऑफ विच 72,000 डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैक्सिमम आप क्या मानते हैं इसके पीछे की वजह, क्या मानते हैं कि क्यों इस तरह से वहां पर फैला, क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले अमेरिका में कुछ ज्यादा ही इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। सही बात है। 2-4 कारण है इसके। एक तो ये है कि आप देखेंगे अमेरिका में भी किस कहां कहां पर है। एक तो न्यूयॉर्क में है जो कि ईस्ट कोस्ट पे है और वहां पे ज्यादातर लोग जब भी बाहर से आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग दे यूजुअली गो टू न्यूयॉर्क एंड अदरवाइज टू कैलिफोर्निया। न्यूयॉर्क इज पर्टिकुलरली मोर कॉमन। तो बहुत से विजिटर्स, बहुत से लोग ट्रेवल करके आए थे। एंड मुझे ये भी लगता है, ऑफकोर्स बहुत सारे अभी डाउट्स हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये दिसंबर 2019 में शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले से थोड़ा चल रहा था ये एक्चुअली। एंड बाय द टाइम वी caught it, मतलब जब हमें मालूम चला जनवरी के एंड में, ऑलमोस्ट फरवरी 2020 के, तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी कुछ भी कर पाने के लिए। वाशिंगटन डीसी में इसका क्या प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क में तो काफी ज्यादा संख्या है वहां पर, लेकिन वाशिंगटन डीसी में क्या हालात हैं? बहुत सिमिलर है, लेकिन न्यूयॉर्क जितना बुरा हाल इसीलिए नहीं है शायद हमारा, क्योंकि न्यूयॉर्क में एक बहुत खासियत है। वहां पे जो हमारे मुंबई के जो चौल टाइप के घर होते हैं ना, जैसे हाई राइज अपार्टमेंट्स कह सकते हैं हमने, जो कि बहुत साथ साथ होते हैं, एंड वो बहुत कॉमन चीज है न्यूयॉर्क में, बहुत कॉमन है। बाकी अमेरिका में वो आप कभी नहीं देखेंगे। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि वहां पे जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी जो कहते हैं वो बहुत टाइट है, बहुत हाई है। सो इसीलिए यू सी दैट स्प्रेड हैपन इन न्यूयॉर्क ऑन अ मेजर बेसिस। एक और बात ये भी है कि जो मैक्सिमम अफेक्टेड हुए हैं इससे, ये हुए हैं नर्सिंग होम्स, जो नर्सिंग होम का अलग मतलब होता है इस देश में। नर्सिंग होम यहाँ का मतलब होता है नॉट अ क्लिनिक और यू नो आउट पेशेंट क्लिनिक, नहीं, नर्सिंग होम का मतलब होता है जहाँ वृद्धाश्रम, जहाँ पे ओल्ड पीपल रहते हैं। तो उस वृद्धाश्रम में यू आर सीइंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। तो क्यों वहां पे हो रहा है? बिकॉज वंस अगेन बहुत पास पास रहना पड़ता है उन्हें और एज काफी होती है, काफी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है। सो ये सब कारण तो है जो हम सोचते क्यों इन जगह पे हुई। और कोई दूसरा कोई और कारण सच एज यू नो किसी ने जानबूझ के सब कुछ किया ऑल दैट, आपको लगता है क्या कि बाकी देशों में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, अमेरिका में उस तरह से लॉकडाउन के रूप में नहीं लगाया गया, क्योंकि वहां पर लोग फ्रीडम को ज्यादा मतलब महत्व देते हैं, बहुत तो ज्यादा वहां पर लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं किया गया। पार्शली कुछ कुछ जगहों पर हुआ, लेकिन उसको जो कहा जाए एक तरह से कि लॉकडाउन लगाया गया जिस तरह से इंडिया में लगाया गया और या बाकी देशों में लगाया गया, वो वहां नहीं लगा। तो क्या ये लॉकडाउन नहीं लगाना एक फेलियर है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि हम कल बात, कोरोना वायरस से
एक्सपोजर से क्या हम कभी बच पाएंगे? द आंसर इज नो। हमें कभी ना कभी तो इस वायरस का सामना करना ही है। द क्वेश्चन इज कब करना है? धीरे धीरे होने से बेहतर है एक साथ होने से, क्योंकि अगर उतने लोग बीमार पड़ते हैं तो वो अस्पताल जाएंगे और अस्पताल की इतनी कैपेसिटी किसी जगह पे नहीं है। हमारे इनफैक्ट यूएस में तो काफी ज्यादा है, फिर भी हम वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट। इसे फ्लैट इन द कर्व सुना है जो आपने, धीरे धीरे ये होना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन आप कब तक करेंगे? लॉकडाउन का प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल हम स्वीडन का, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी द डेविल्स एडवोकेट, आई डू अंडरस्टैंड फ्रॉम एपिडेमियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, कि लॉकडाउन या जैसे यहाँ पे शेल्टर इन प्लेस या कुछ हद तक आइसोलेशन, जो है सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, तो वो काम हो। लेकिन लॉकडाउन प्रैक्टिकल चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूरे देश को हम पूरा बंद कर देंगे, अगर छोटा सा देश हो तो ठीक है, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह है, वो तो उसके अलग बात है। लेकिन अमेरिका जितना बड़ा देश और इसकी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उस पे जो हम, और हम सोच इसको बस आसान से सोचते हैं कि अच्छा अर्थव्यवस्था मीन्स इकोनॉमी मीन्स मनी वर्सेस लाइफ, ये नहीं है। मनी की बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी से भी लोगों की लाइफ चलती है। तो प्रैक्टिकल हमें ऐसा कुछ तरीका सोचना होगा जो प्रैक्टिकल भी है। तो लॉकडाउन हुआ है लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। नहीं तो आपके हिसाब से, आप चूंकि एक डॉक्टर हैं, तो आपके हिसाब से क्या तरीका अपनाए जाने चाहिए जिससे कि इसका प्रभाव भी कम हो जाए और जो अर्थव्यवस्था जो है वो भी ठीक से फ्लोरिश हो सके? मैंने इसके बारे में काफी रातें गुजारी हैं सोचते हुए इसके कि तरीका क्या है। आखिर इसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए ना। और मुझे लगता है, और मेरे हिसाब से RT-PCR जो वो जो टेस्ट है, जो एक्चुअल वायरस के आरएनए, मतलब कि उसके जेनेटिक मटेरियल को पकड़ता है, 24 घंटे लगते हैं मैक्सिमम टेस्ट रिजल्ट्स आने में। उसके दाम अभी महंगे हैं, लेकिन आप बल्क में करोगे और थोड़ा सा प्रेशर दो लगाओगे इन कंपनीज पर तो सस्ता भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उस टेस्ट को हमें बहुत हाई रेट्स पे धड़ाधड़ यूज करना पड़ेगा। किस पे यूज करेंगे? भारत से जो आयात किया गया था, यानी कि वहां पर मंगाया गया था अमेरिका में हाइड्रोक्लोरोक्वीन, तो क्या उस दवाई का इस्तेमाल वहां पर कोरोना के पेशेंट को पर किया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन का या एजिथ्रोमाइसिन का? यस, आई विल कम टू दैट जस्ट वन सेकंड, हां वी विल कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट, बट बिफोर दैट इज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करने होंगे। किन पे करेंगे? जो वापस जा रहे हैं काम पे, सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फॉर एग्जांपल। अब लॉकडाउन खुल गया है तो बहुत से लोग वापस जा रहे हैं काम करने के लिए, तो उनपे RT-PCR टेस्ट करने होंगे। तो आप कहोगे RT-PCR टेस्ट जो इतना महंगा है कैसे करेंगे इतनी पॉपुलेशन पे, जो सेम थिंग इन यूएस आल्सो, हमारी और आपकी हालत ऑलमोस्ट यू नो वी आर इन अ वर्स सिचुएशन, बट फाइनेंशियली हम एक जैसे ही हैं, तो कैसे करना? इनका पूल्ड RT-PCR टेस्टिंग होती है, उसके बारे में आई कैन टॉक अबाउट लेटर। वो टेस्ट पूल्ड करना पड़ेगा और दैट्स जो जो नेगेटिव है वो लोग जाओ काम पे, जो पॉजिटिव है क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, एंड जो भी 65 के ऊपर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है और कोई भी क्रॉनिक लंग कंडीशन जैसे कि एम्फिजीमा वगैरह हो, वो ये जो चार कैटेगरी के लोग, घर में रहना पड़ेगा उन्हें। और अच्छा, जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आता है या कोई दवाई इस रूप में नहीं आ जाता है, तब तक लोगों को क्या करना चाहिए कि जिससे कि वो कोरोना से बच सकें? सोशल डिस्टेंसिंग अब हमारा एक नॉर्म बन गया है, तो हमारे पास मास्क हमेशा ही होना चाहिए। मतलब अगर आप दो लोग हैं यहाँ पे, तो मतलब घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क जो है मास्क पहनना कंपलसरी है। और सेकेंडली है कि दो जो है क्या, दो फुट की दूरी कहते हैं ना, दो या वन मीटर जो है जी, वो जो मेंटेन करना जरूरी है, उतने डिस्टेंस में कोरोना का फैलने का, या मतलब अगर मेरी खांसी होती है जो भी है तो आप तक पहुंचने का चांस कम हो जाता है। सो दैट इज वन थिंग वी कैन डू, दैट्स ऑल। लेकिन जो हेल्थी हैं ठीक हैं, हमें तो बाहर जाना ही पड़ेगा काम करने, जैसे हम जा रहे हैं, जैसे मैं जा रही हूँ, और हमें कोरोना वायरस लगेगा और हम रिकवर कर जाएंगे। मौतें होंगी बट वी कैन नॉट चेंज दैट टू मच, हम हमेशा के तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते ना। अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का क्या करना है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक बहुत ही बढ़िया दवाई है मेरे ओपिनियन में। नाउ अगेन दिस इज
एज पर माई ओपिनियन बहुत स्टडीज प्रो हैं कॉन्स हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि उस स्टडी किसने की है, कहाँ पे हुआ है, ऑल दैट स्टफ. लेकिन जी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एज अ प्रिंसिपल इज एन एक्सलेंट मेडिसिन फॉर यूज फॉर एनी कोरोना वायरस. इनफैक्ट सार्स वन के लिए भी था और सार्स टू, अभी जो सार्स टू कोव टू वायरस जो है उसके लिए भी. उसका मैकेनिज्म जी काफी सिंपल सा है, लेकिन उसे थोड़े साइड इफेक्ट जरूर है. तो ये नहीं कि हम जाके फार्मेसी से उठा के खाना शुरू कर दें, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना शुरू करना चाहिए. आई थिंक प्रोफिलैक्सिस दिया जा सकता है, क्योंकि काफी इस सारे दोनों के लोग ने होता अलावा, यदि है. एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्लोरोक्विन के अलावा आप लोग वहां पर क्या प्रेस्क्राइब कर रही हैं, जो ऐसे पेशेंट है जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके लिए आप लोग क्या प्रेस्क्राइब कर रहे हैं दवाई के रूप में? तो मान लीजिए कि अगर मैं एक पेशेंट हूं, और मैं बेसिकली पेशेंट का मतलब ये हुआ कि आपने टेस्टिंग किया मेरा, और मैं आरटीपीसीआर टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया फॉर द सार्स कोव टू कोरोना वायरस. ठीक है, तो आप अब तीन चीजें हो सकती हैं. मैं बहुत बीमार हूं, खांसी है, सर दर्द है, फीवर, सबसे इंपॉर्टेंट है फीवर, फीवर है, सांस नहीं ले पा रही हूं, तो क्या आप क्या करोगे, यू पुट मी इन द हॉस्पिटल. मोर देन लाइकली मैं आईसीयू में भर्ती होंगी, होना पड़ेगा उस सिचुएशन में. अगर मैं इतनी क्रिटिकल हूं तो वहां पे जो आईसीयू केयर प्लस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एंड एजिथ्रोमाइसिन प्लस जिंक, ये तीन चीजें हम दे रहे हैं आईसीयू में, जी तो ये ट्रीटमेंट. और उसके अलावा आप अच्छा, हमारे किडनी पास कुछ सवाल आ रहे हैं और आपका मैं कुछ वीडियो भी देख रहा था, उसी से रिलेटेड ये सवाल है कि अगर कोरोना से बचना है तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या क्या करें, लोग क्या खाएं जिससे कि इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके? सबसे मैं आपको सबसे मोस्ट मेरे ओपिनियन मोस्ट इम्पोर्टेंट और बाकी एंड आई पुट देम इन द ऑर्डर. सबसे पहली बात है जो शायद मैं खुद नहीं करती हूँ, वो है स्लीप. यू मस्ट स्लीप 8 आवर्स अ डे. और ये इसकी हर एक जिसे क्लिनिकल स्टडीज किए गए हैं, बहुत ही बढ़िया स्टडीज किए हैं, और देखा गया कि हमारे मोनोसाइट्स वगैरह जो हमारी इननेट इम्यूनिटी के जो फाइटर्स हैं वो बहुत ताकतवर बन जाते हैं अगर आपके पास 8 घंटे की नींद हो, खास करके जी 1 AM रात के 12-1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो भी है वो टाइम, वो सूरज के किरणों की वजह से और हमारे सर्कैडियन रिदम की वजह से होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो तो करना चाहिए. नंबर टू, स्ट्रेस कम करें. स्ट्रेस का कोई फायदा भी नहीं है, और उससे हमारी वही सेम मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के हमारे ये होते हैं जो यू नो ब्लैक कैट्स जो आर्मी होती है हमारी, तो जी उसको हेल्दी रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. खाने में रेगुलर खाना खाएं, जो भी आप खाते हैं हमेशा खाने. इंडिया में जो खाना खाते हैं इट इज वेरी हेल्थी यहाँ के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पे नॉर्मली फल सब्जियों का जो खाने में यूज होता है बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे इट्स मोर प्रोसेस्ड फूड. तो आई थिंक फ्रॉम फूड पॉइंट ऑफ व्यू यू गाइस आर जस्ट फाइन. और सो दीज आर थ्री थिंग्स. कोई एक्स्ट्रा जी विटामिंस लें, अभी तो कोई खास उसका एडवांटेज नहीं है मुझे लगता नहीं, है, तो तो कोई एक्स्ट्रा विटामिन के लिए क्या लिए, कौन सी दवाई आपके हिसाब से लेना चाहिए जो इंडियन लोग हैं उसको? एक संतरा, एक आंवला दिन में हर कोई एक आंवला या फिर एक संतरा दिन में ओके, खाना कोई मेडिसिन खाने. नहीं है इसके लिए? मेडिसिन कुछ नहीं है, मेडिसिन कुछ ओके नहीं जो बच्चों की हमें बचा सकता है कोरोना लगने से, नंबर अच्छा, वन. क्या विटामिन हाँ, सी की जो गोलियां हैं, विटामिन सी की जो गोली है, क्या वो लेना बेहतर होगा एक या आंवला फिर सबसे. कोई आंवला या संतरा ले वो ज्यादा बेहतर है? आंवला इज द बेस्ट इन माई ओपिनियन, मैक्सिमम ओके विटामिन सी. लेकिन वो फिर बॉटल में आने वाला आंवले का जूस नहीं, क्योंकि उसका मुझे कुछ पता नहीं. आंवला नहीं, ओके जो ओरिजिनल होता था ना आंवला, दैट्स वन थिंग. जी 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 या फिर बिल्कुल एक संतरा दिन में. ओके, नॉट द जूस. मैं जूस इसलिए मना करती हूँ कि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और ये जो है अच्छा धूप लगने से गर्मी में खराब हो जाता है. तो ये जो गोलियां मिलती हैं मुझे पता नहीं उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, इसलिए. और उसकी इनकी ये स्टडीज की गई हैं कि बायो अवेलेबिलिटी होती जो ये जी गोलियों की वो बहुत कम है, और उसमें क्या है गॉड नोज. आई मीन आई कैनॉट गारंटी यू दैट, बिकॉज वो कोई FDA कंट्रोल नहीं करता उनकी क्वालिटी. तो मैं तो आपको कहूंगी अगर आपके पास आंवला अवेलेबल है एज अ बेस्ट, इमली, आंवला, बट डजंट मैटर, एनी एनी विटामिन सी का सोर्स, एनी सिट्रिक एसिड यू नो का सोर्स विल बी फाइन. अच्छा, तो वी एक शुड सवाल डू इंडिया से रिलेटेड है कि इंडिया में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, तो क्या आप इसको बेहतर मानते हैं अमेरिका के
तुलना में, क्योंकि अमेरिका में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया गया था। हाँ, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, अमेरिका का जो सरफेस एरिया है मतलब जितना बड़ा देश है ना, वो इंडिया से मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, शायद 5 गुना बड़ा है, और जी इसकी आबादी इंडिया से 5 गुना कम है, गुना तो मतलब कि जी 25 हो गया ना, 5 × 5, तो यस 25 यस यस टाइम डेंसिटी फर्क है। अगर इंडिया में लॉकडाउन नहीं लगता तो गॉड ओनली नोस क्या होता अब तक, विच वुड हैव अ ह्यूज डिजास्टर। तो मतलब जो मोदी जी ने किया है, आई मीन आई कांट से इनफ अबाउट इट, बट आई एम लाइक इट्स अ वेरी 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 गुड थिंग। लेकिन वो लॉकडाउन जो था उसने सिर्फ एक तरह से बांध लगा दिया है, या एक होल्ड लगा दिया है प्रॉब्लम पर। वो प्रॉब्लम जाने वाला नहीं है, प्रॉब्लम है, आपने सिर्फ एक गेट लगा के रखे हो, और गेट को धीरे धीरे खोलना पड़ेगा ताकि जी एक झटके से सामान बाहर ना आए, धीरे धीरे बाहर आए। तो अब ये जो गेट कैसे खोलना है और कौन बाहर आएगा, ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रैटेजी अगर सही पड़ता है तो लॉकडाउन फायदेमंद हुआ, अगर ये स्ट्रैटेजी गलत पड़ता है तो वो जी लॉकडाउन बेकार। एक और अच्छा, बात है, एक दो आपसे पर्सनल सवाल भी है कि आप अभी अमेरिका में हैं और वहाँ डॉक्टर हैं, अगर आपको भारत आकर काम करने का मौका मिले, और अगर आप, क्या भारत आएंगी काम करने के लिए वापस? डेफिनेटली मैं यूजुअली हर साल 2 बार आती हूँ इंडिया, डेफिनेटली। एंड मेरे बच्चे अभी अभी इतने बड़े हुए हैं कि मुझे उनको मेरी कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो मेरे 2 बच्चे हैं। सो पॉइंट इज आई एम फ्री नाउ। सो एक्चुअली मेरा 2020 का गोल था, माई इंटरनेशनल ट्रैवल एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क, और थैंक्स टू कोरोना वो सब का सब बैठा हुआ अभी तो, बट यस दैट्स जी अ प्लान। एंड खास अच्छा, एक करके आखिरी सवाल है, यहाँ आखिरी सवाल है कि जिस तरह से भारत में लॉकडाउन के बाद भी कुछ लोग उस लॉकडाउन का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बता रही थी आपको पहले कि लॉकडाउन की दो चीजें होती हैं, या तो 100% होता है या होता है 0%, या 100 या 0, बीच में कुछ नहीं होता। बीच में जो जी भी हो बेकार, वक्त की बर्बादी है और अर्थव्यवस्था को चोट देने वाली बात है, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोगों को समझना पड़ेगा कि जितना टाइट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, या अगर वो करते उतना जल्दी, और जी अभी भी एक्चुअली अभी भी जितने रेड जोन्स हैं, ऑरेंज जोन्स हैं, उन सब में यही समझना पड़ेगा, जितना टाइट लॉकडाउन करेंगे, बेटर करेंगे, तो आप उतनी जल्दी बाहर निकल पाएंगे इससे, जी वरना इट्स नॉट गोना हैव एनी वैल्यू। और आफ्टर ऑल ये जो कुछ कर रहे हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं, ये समझना जरूरी जी है। तो जो हमारे फायदे के लिए लोग कर रहे हैं, व्हाई आर वी नॉट फॉलोइंग दैट, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो चलिए पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया इसके लिए। और जो यू लोग देख वेलकम। रहे हैं उनका, पूर्णिमा जी का ये कहना है कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो आंवला का सेवन कीजिए, क्योंकि आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे बेहतर साधन है, और अगर आप आंवला का सेवन करेंगे तो हो सकता है कि कोरोना से ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी आपका भी, और जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेरी वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी।